हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जो नीचे लिखा है, एक बार चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ऑल द गिवन कंपनीज हैंडल ओनली टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरिंग ऑल द गिवन ईयर्स, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। इफ़ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैंडल बाई ऑल द गिवन कंपनीज टूगेदर इन 2007 इज 13:8, टोटल हाउ मेनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वर हैंडल्ड बाय ऑल द गिवन कंपनी टुगेदर इन 2007। तो यहाँ पे दोस्तों सभी कंपनियों का 2007 का डाटा हमें देखना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है, टेबल में ईयर वाइज पांच कंपनियों उनका डाटा दिया हुआ है। अभी इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ओनली जो 2007 में सभी कंपनी का डाटा है वो हमें चाहिए। तो 2007 में देख सकते हो ABCD सभी का डाटा है, इनका क्या निकालना है, इन कंपनीज में गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दो ही तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, और जो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट का रेशो है वो है 13:8। और हमें पता करना है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल से 2007 के टोटल सभी कंपनी का प्लस कर लेंगे, जो प्रोजेक्ट्स की गिनती आ जाएगी उसका 13:8 के हिसाब से, 13:8 है जो गवर्नमेंट का रेशो है 13, तो उसका 13:8 निकाल लेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए 2007 का पहले तो सभी कंपनीज का डाटा ऐड कर लेते हैं। जैसे कि ए कंपनी में 137 है, 137 प्लस 168 बी कंपनी का हो गया, और सी कंपनी का 237 है, और प्लस डी कंपनी का 158 हो गया, और प्लस लास्ट में ई कंपनी का 182। ठीक है दोस्तों, ये पांचों कंपनी का डाटा हो गया कितना, 882। अभी 882 टोटल हो गया, इसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों प्रोजेक्ट्स हैं। हमें क्या पता करना है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे रेशो है 13, तो हम क्या करेंगे, इनटू 13 डिवाइडेड बाय रेशो का प्लस, टोटल रेशो कितना है 21 है, 13 प्लस 8 कितना हो गया 21 हो गया, डिवाइडेड बाय 21 तो 546। जो टोटल ये जो 882 टोटल प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो है 546, और जो बचे हैं वो है नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। तो सिंपल था दोस्तों क्वेश्चन, उम्मीद है समझ आ गया होगा। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसा कोई मैथ का प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हो, मैं आपको उस क्वेश्चन का वीडियो बना के आपको लिंक शेयर कर सकता हूँ। और दूसरा दोस्तों, आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको समझ आया या नहीं आया ये भी ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आया तो आपके जैसे और भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हो सकता है उनको भी समझ ना आया हो। तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।